गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइज आज हमारे पास है स्पीडोमीटर और आज हम इसे अपनी साइकिल में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसका फुल सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे इसके अंदर की सेटिंग करनी है और कैसे इसे साइकिल में लगाना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज एक बात और कि जो हमारा पहले लाइट का गिव अवे था वो अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि हमने सोचा था कि कम से कम 5000 व्यूज के बाद ही इसका गिव अवे करेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अभी तक उस पर 2500 ही व्यू आए हैं और काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट भी किया था कि भाई लाइट का गिव अवे कहाँ है ये वो। तो उसमें से जो एक बंदा है वो हर वीडियो पे कमेंट करता था कि भाई गिव अवे कहाँ है, उसका विनर अनाउंस नहीं किया आपने। तो फाइनली आज हम जो गिव अवे है उसका अनाउंस कर रहे हैं। तो गाइस जो वो बंदा है जिसने बार बार कमेंट किया है वो काफ़ी सपोर्ट भी करता है और हर वीडियो देखता है हमारी, तो फाइनली ये जो गिव अवे है वो इसी को जा रहा है। तो हम इससे कांटेक्ट करेंगे, ये बंदा मैंने वैसे इससे कांटेक्ट भी किया था, ये बंदा जो है वो राजस्थान का है। और जो ये वाला स्पीडोमीटर है गाइस इसका भी हम गिव अवे कर रहे हैं। तो व्यूज़ अभी क्या हो रहा है कि व्यूज़ फिलहाल कम आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि आपके ज़्यादा चांस बन जाते हैं गिव अवे जीतने के। तो आप में से जो भी लोग वीडियो देख रहे हो पार्टिसिपेट जरूर करना, कुछ नहीं करना है आपको, बस स्पीडोमीटर पे कमेंट करना है एक अच्छा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर, और आप में से कोई एक लक्की विनर ये स्पीडोमीटर जीत जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी हुई है और देखिए किस तरीके से चमक रही है, धो के अच्छे से पॉलिश कर दी है इसलिए थोड़ी नई जैसी लग रही है अपनी साइकिल। और अभी गाइज यहाँ पे मेरे पास है एक स्पीडोमीटर जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है 590 रुपीज़ का विद डिलीवरी चार्जेस, और इसमें दो चार फीचर नए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं नए वाले। और इसमें कुछ नहीं है, बस एक यूज़र मैनुअल है और बाकी जो स्पीडोमीटर के पार्ट्स हैं वो हैं। गाइस यूज़र मैनुअल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका पैरामीटर सेटअप करने का तरीका लिखा हुआ है और इसके सारे फीचर लिखे हुए हैं। अगर इसका आपको पूरा मज़ा लेना है स्पीडोमीटर का तो ये पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे पढ़ के ही आपको सारे फीचर्स के बारे में पता चलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे अपना स्पीडोमीटर है और ये मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि इसके अंदर दो मेन फीचर है, बैकलाइट और टेम्परेचर सेंसर, और बाकी इसमें एवरेज स्पीड, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड सब कुछ है, मतलब बाकी जो पुराने वाले में था। और इसमें 23 फीचर है टोटल और फुल्ली गाइज ये वाटर प्रूफ है, तो इसलिए गाइज मैंने इसे मंगाया। और पीछे तो बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अब देखिए ये है हमारा मेन स्पीडोमीटर, तो यहाँ पे गाइस टाइम आता है स्लीप मोड में और ये इसके दो बटन हैं और पीछे गाइस एक 3 वोल्ट का इसके अंदर सेल डलता है और ये इसकी बैकलाइट डिस्प्ले है। और मेन फीचर इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी है जो कि आपको रियल टाइम टेम्परेचर बताएगा, और बाकी इसका जो सेटअप है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी गाइस इसे अपनी साइकिल में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सेंसर है राइट हैंड में मेरे, और ये इसका माउंट है जिसके ऊपर आपका जो स्पीडोमीटर है वो सेट होगा। तो इसके पीछे टेप है वो हम उतारेंगे और यहाँ पे जिप टाई है, इससे वायर को बांधते हैं और स्पीडोमीटर को। तो ये इसकी मैग्नेट है जो कि सेंसर को रीडिंग में मदद करता है, जो कि हमें व्हील पे लगाना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे पुरानी मैग्नेट है दोनों, तो इसकी तो मैग्नेट खो गई है लेकिन उस वाले की है, और ये अपनी नई वाली, ये पुरानी वाली के सेम है, लो क्वालिटी की है, मुझे इसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई लेकिन जो दूसरी वाली है उसकी क्वालिटी अच्छी है। अभी देखिए इसके पीछे एक स्क्रू है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर से इसे खोल लेता हूँ। तो ये मैंने इसे खोल लिया और इसे यहाँ पे लगाते हैं, जितना नीचे लगाएंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और अभी मैं इस सेंसर को लगाता हूँ, तो ये इसका सेंसर है, दोनों के पीछे टेप है, इस टेप को उतारते हैं और इसे हैंडल पे फिक्स करते हैं। तो इसकी टेप उतार रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ इसकी टेप ही नहीं उतरी, और उसकी बाद में उतारेंगे सेंसर की। अभी इसे यहाँ पे लगाना है तो जिप टाई लगाएंगे इसमें अच्छे से, तो ये दोनों जिप टाई लगाने हैं इसमें, जिससे कि अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि टेप से तो ये रुकेगी नहीं। और ये जो है इस तरीके से फिक्स हो गया, बस आपको दोनों स्पीडोमीटर दोनों जिप टाई बांधने हैं इस माउंट से और ये फिक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अब एक और जिप टाई लगाना है हमें इसमें,
और इसे ब्रेक वायर के साथ, फ्रंट वाले ब्रेक वायर के साथ लगाना है ताकि ये ब्रेक वायर दिखे ना। अच्छा, जो मेरा पिछले वाला स्पीडोमीटर था गाइज, उसकी बैटरी 9 महीने से ऊपर चली है, लेकिन अभी इसमें 3 वोल्ट की बैटरी है। और दूसरी बात कि इसमें टेम्परेचर सेंसर भी है, बैकलाइट है, तो इसकी बैटरी भी उतनी ही चलेगी, ज़्यादा तो चलेगी नहीं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसकी बैटरी बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। उसमें 1.5 वोल्ट का सेल था जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं था मार्केट में, तो इसलिए ये वाला जो स्पीडोमीटर है ये बेस्ट है। अगर आप बाय कर रहे हो, पैसे लगा ही रहे हो तो स्पीडोमीटर में, तो ये वाला ले। वो जो सस्ते वाला है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। अभी इसके पीछे की टेप उतार देते हैं और इसे फिक्स करते हैं अपने शोकर पे। तो इस तरीके से लगाना है पीछे की साइड, और इसे जितना नीचे रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये जितना नीचे लगाएंगे हम उतना ही मैग्नेट के पास में होगा, और जितना मैग्नेट के पास में होगा उतने अच्छे से रीडिंग रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जो मैग्नेट की पावर है वो सेंसर तक पहुंचनी चाहिए तभी ये अच्छे से रीडिंग रिकॉर्ड करेगा। बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत होती है, उनका वे सब फिक्स कर देते हैं पर रीडिंग नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट और सेंसर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो कम से कम 5 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा में ये काम नहीं करेगा। तो इसे देखिए, अभी मैंने जल्दी जल्दी में ये देखा नहीं और ये ऊपर लग गया है ज़्यादा, तो सेंसर को नीचे करूँगा और मैग्नेट को भी थोड़ा सा नीचे करूँगा, जिससे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कम हो जाए और एक दूसरे के आमने सामने आ जाए बिल्कुल सेंटर में, जैसा कि अब है। ठीक है, तो ये लग चुका है। अभी स्पीड करेक्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि पैरामीटर की सेटिंग भी करनी है अभी स्पीडोमीटर के अंदर, और अभी सारा काम फिनिश हो गया, स्पीडोमीटर लग गया है। अभी पैरामीटर की सेटिंग करनी है, यानी स्पीडोमीटर के अंदर की जो व्हील की सर्कमफेरेंस है वो डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना ये लेना है मैनुअल, और इसके अंदर अपने व्हील का साइज ढूंढिए कौन सा है। तो व्हील का साइज़ कैसे देखना है, आपके व्हील के ऊपर लिखा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है 26 × 2.35, और इसके सामने गाइज आपको देखना है कि आपके जो यूज़र मैनुअल है उसमें कौन सा साइज है। तो यहाँ पे 2135 लिखा हुआ है मेरे टायर के साइज़ के सामने, तो अभी उसे स्पीडोमीटर के अंदर डालना है। तो दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है स्पीडोमीटर के, तो अब आपकी ये पैरामीटर सेटिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2160 है, यहाँ पे 2135 करना है। राइट वाले बटन से नंबर चेंज होंगे और लेफ्ट वाले से नेक्स्ट पे होगा। तो अभी देखिए, यहाँ पे 2135 करना है, तो 5 पे करा और लेफ्ट वाले से नेक्स्ट, फिर यहाँ पे 3 करना है और फिर लेफ्ट वाले से नेक्स्ट। ये तो 1 सही है, 2 भी सही है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे किलोमीटर मीटर इसे चेंज कर सकते हो आप राइट वाले बटन से, और ये तो 20 पे रहने दो, इसका कोई मतलब नहीं है स्पीड वगैरह से। और इसे भी नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम को कैसे रीसेट करना है, लेफ्ट वाला बटन 5 सेकंड तक दबाना है और ये आपका टाइम का वो आ जाएगा। 12 आवर में देखना है 24 में, तो वो आप सेट कर लो। और यहाँ पे 1 पे ब्लिंक हो रहा है, तो 1 आपको चेंज करना है लेफ्ट वाले बटन से। तो यहाँ पे अगर 12 के बाद अगर दबाते जाओगे तो AM PM हो जाएगा, तो यहाँ पे PM हो रहा है, तो 1 कर दिया मैंने। और 9 बिल्कुल ठीक है, तो 9 से नेक्स्ट कर दूंगा मैं राइट वाले बटन से, तो नेक्स्ट हो गया, टाइम भी आपका सेट हो चुका है। तो गाइज, जैसे ही आप साइकिल चलानी शुरू करोगे ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करेगा, मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, टाइम आपका, ट्रिप टाइम और फैट बर्न, कैलोरी बर्न, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है, अभी टेम्परेचर ये है, मिनिमम ये वाला टेम्परेचर है 14.8 और मैक्सिमम जो है वो 50 है, जो कि धूप वगैरह में खड़ी हो जाए तो रिकॉर्ड हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ जिससे कि थोड़ी बहुत रीडिंग ये रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्पीड अच्छे से शो हो रही है। और गाइज अभी आप देखोगे कि हमारी जो बैक लाइट है वो नहीं जल रही है और ना ही जलेगी, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, उस हिसाब से आपकी जो बैटरी, वो जो बैकलाइट डिस्प्ले है वो जलेगी, जिससे कि बैटरी बाद में वेस्ट ना हो, इसलिए दिन में ये बंद रहती है बैकलाइट इसकी। ठीक है, तो अभी ये हमने ड्राइव कर ली है और इसमें रिकॉर्डिंग हो चुकी है कि टाइम, रिकॉर्डिंग टाइम सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। अभी मैं इसको बताऊंगा कि कैसे क्लियर करते हैं। तो देखिए अभी स्पीडोमीटर में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, ये डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम स्पीड है और ये एवरेज स्पीड है, यहाँ पे मुझे जितना टाइम लगा वो शो हो रहा है। अब इसे क्लियर कैसे करें, ये राइट वाला बटन अब देखिए ब्लिंक हो रहा है, तो अब लेफ्ट वाला बटन दबाए रखेंगे 5 सेकंड तक और ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
बस जो आपका टाइम और टेम्परेचर है वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, वो सब क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह है वो तो सेम है देखिए, और जो आपकी ये स्पीड वगैरह है ये सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये टेम्परेचर है तो ये सब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया आपका। तो यहाँ पे स्पीड शो हो रही है और टेम्परेचर, स्पीड तो जीरो है। और गाइज ये जो है आप अगर आप साइकिल यूज़ नहीं करोगे तो 300 सेकंड बाद ये स्लिप मोड में चला जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको टाइम ही शो होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है टाइम 1:33 हो रहा है अभी, 7 बजे से लेके और सुबह के 6 बजे तक इसकी बैक लाइट जलेगी, बाकी टाइम बैक लाइट बंद रहती है। और जैसे ही ये स्पीडोमीटर की बैटरी डाउन हो जाएगी तो यहाँ पे एक लो बैटरी का इंडिकेटर आपको दिखाई देगा।